नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं नागराज सीरीज की एक और धमाकेदार कॉमिक्स प्रलयकारी मणि। वेहल नाम का वह विशाल यात्री जलयान तेजी से समुद्र का सीना चीरकर तैरता चला जा रहा था। जहाज के एक फर्स्ट क्लास कैबिन में दो नामी चोर गोगा और टॉम। गोगा ने कहा, देखो टॉम, आखिर हम इस बेशकीमती मूर्ति को निकोदर कबीले से उड़ा ही लाए, और अब जब हम इसे मुंबई ले जाकर जुर्म के बादशाह शंकर सहनशाह को बेचेंगे तो वह हमें सिर से पांव तक दौलत से लाद देगा। टॉम ने कहा, धीरे बोल गधे के बच्चे, किसी ने सुन लिया तो दोनों ही जेल की चक्की पीसेंगे। अचानक दोनों बुरी तरह से लड़खड़ा गए और बोले, उफ, यह क्या तूफान। कंट्रोल रूम के एक अधिकारी ने कहा, उफ, बहुत भयानक तूफान है, लगता है जहाज नहीं बचेगा कैप्टन। जहाज तूफानी थपेड़ों का सामना नहीं कर सका। सभी लोग चीख उठे, बचाओ। एक कर्मचारी आया और बोला, जहाज डूब रहा है कैप्टन। कैप्टन ने कहा, लाइफ बोट के साथ यात्रियों को समुद्र में उतारो, क्विक, जल्दी करो। लोग चिल्ला रहे थे, ओ भगवान, रक्षा करो, हेल्प अस गॉड। टॉम और गोगा भी एक लाइफ बोट पर सवार हो गए। टॉम ने कहा, बोट को कस कर पकड़े रहो गोगा। जहाज को बचाया ना जा सका, और अगली सुबह जब गोगा और टॉम को होश आया तो गोगा ने कहा, टॉम, कहीं हम स्वप्न तो नहीं देख रहे। टॉम बोला, भगवान का शुक्रिया अदा करो, हम इस भयानक तूफान में भी बच गए। गोगा ने कहा, सितारे बुलंदी पर हैं टॉम, वह देखो टापू। टॉम बोला, हवा का वेग बोट को उधर ही ले जा रहा है। कुछ ही देर में लाइफ बोट किनारे पर आ लगी। अभी दोनों पानी से बाहर ना आ पाए थे कि अचानक चौंक पड़े, अरे इस द्वीप पर मनुष्य। उनके देखते ही देखते वे दोनों सांपों में परिवर्तित हो गए। टॉम बोला, आश्चर्यजनक, चमत्कार। गोगा ने कहा, पर अरे वह बाज। लेकिन तभी एक बाज उन पर टूट पड़ा, उसने उनमें से एक सांप को अपने पंजों में फंसाना चाहा। बाज पुनः झपटा, लेकिन क्रोधित नाग ने पुनः उसे डसना चाहा, और इस बार वह सांप को दबोचने में सफल हो गया। गोगा ने कहा, बाज को समाप्त कर दो टॉम, और टॉम ने बाज पर फायर कर दिया, और सांप बाज की पकड़ से छूट कर नीचे गिर गया। टॉम ने कहा, सांप हमारी ओर आ रहे हैं, कहीं हमने इन्हें बचाकर भूल तो नहीं की। दोनों सांप उनके निकट फन फैलाकर खड़े हो गए। टॉम और गोगा हैरानी से उन्हें देखने लगे, और देखते ही देखते पुनः इंसानों में परिवर्तित हो गए। टॉम और गोगा ने सोचा, इच्छाधारी नाग और नागिन। तब तक टॉम रिवॉल्वर वापस जेब में रख चुका था। हैरत में डूबे टॉम के मुंह से निकला, ये जादू है या हमारी आंखें धोखा खा रही हैं। गोगा ने कहा, आप कौन हैं महापुरुष। नाग बोला, इच्छाधारी सांप। नाग नागिन ने कहा, आपने हमारे प्राण बचाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है, हम आप लोगों के ऋणी हो गए हैं। टॉम और गोगा बोले, यह तो हमारा फर्ज था। तभी कई सांप तेजी के साथ उनकी ओर बढ़े। टॉम ने कहा, उफ, इतने सांप। नाग पुरुष ने कहा, ये सभी सांप इस द्वीप के प्रहरी हैं, और किसी भी विदेशी को द्वीप पर देखते हैं तो उसे जान से मार डालते हैं। यह सुनते ही टॉम ने पुनः रिवॉल्वर निकाल लिया। उसकी मंशा समझ नाग पुरुष बोला, नहीं, ऐसा गजब मत करना। गोगा ने कहा, लेकिन वे बड़े चले आ रहे हैं। नाग कन्या बोली, घबराओ मत, वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। अचानक नाग पुरुष और नाग कन्या पुनः सांपों में प्रवर्तित हो गए, और उछलकर टॉम व गोगा की गर्दनों में लटक गए। सभी सांप उनके इर्द गिर्द पहुंचकर रुक गए। फिर नाग पुरुष व नाग कन्या उन्हें लेकर अपने कबीले में पहुंचे। कबीले वाले बोले, अरे विदेशी, विदेशी राजा मणिराज के पुत्र व पुत्री के संरक्षण में। और जब मणिराज के सम्मुख पहुंचकर नाग पुरुष विश्वप्रिय ने अपनी भाषा में उन्हें कुछ बताया तो मणिराज बोले, ओह, नागमणि द्वीप पर तुम्हारा स्वागत है मित्रों। अगर आप लोग समय पर पहुंचकर मेरे बच्चों की प्राण रक्षा न करते तो। गोगा ने कहा, यह तो हमारा फर्ज था। कुछ देर बाद गोगा ने कहा, हम तूफान में भटक कर यहां तक आ तो गए हैं, लेकिन हम अभी तक इस द्वीप पर रहस्य नहीं समझ पाए हैं। यह सुन मणिराज मुस्कुराकर बोले, तुम दोनों बहुत भाग्यशाली हो बहादुरों, जो इच्छाधारी सांपों के द्वीप पर आ पहुंचे हो। गोगा बोला, इच्छाधारी सांपों का द्वीप। टॉम ने कहा, तो क्या आप और ये सब। मणिराज ने कहा, हाँ, हम सब इच्छाधारी सांप हैं, यह देखो। यह कहकर मणिराज एक सांप के रूप में परिवर्तित हो गया। मणिराज वापस अपने पूर्व रूप में आ गया और बोला, अब हम तुमसे एक प्रार्थना करेंगे बहादुर युवको। टॉम ने कहा, आप आज्ञा करें सर्पराज। मणिराज ने कहा, इस द्वीप से अपनी दुनिया में लौटने की कभी कोशिश मत करना, क्योंकि द्वीप का रहस्य जान लेने के बाद यह संभव नहीं होगा। अगर तुमने यह कोशिश की तो हमें तुम्हारी मृत्यु का बेहद अफसोस होगा।
उस दिन से वे नागमणि कबीले के मेहमान हो गए। टॉम ने कहा, गोगा यार, यहाँ आकर तो हम फंस गए हैं, लगता है अब शेष जीवन यहीं बिताना होगा। एक दिन टॉम ने कहा, इस अजगर मोही गुफा में इनकी कुल देवी का मंदिर है। गोगा बोला, भीतर चलकर देखें। टॉम ने कहा, चलो। लेकिन मंदिर के द्वार पर पहुंचते ही एक कबीले वासी ने उन्हें रोका और बोला, ठहरो, तुम इस मंदिर में नहीं जा सकते, ऐसा मणिराज और पुजारी बाबा का आदेश है। गोगा ने कहा, क्यों? उसकी बात का उत्तर न देकर वह सख्त स्वर में बोला, अगर तुमने मणिराज के आदेश की अवहेलना की तो परिणाम गंभीर होंगे, लौट जाओ। दोनों चुपचाप लौट गए। गोगा सोचने लगा, न जाने इस मंदिर में ऐसा क्या है कि हमें भीतर नहीं जाने दिया जा रहा, मगर मैं भी गुफा में जाकर रहूंगा आज ही। और गोगा के दिमाग में मंदिर देखने की जिज्ञासा जन्म लेने लगी। उसी शाम गोगा ने कहा, चलो टॉम, गुफा में देवी के दर्शन करेंगे। टॉम बोला, क्या पागल हो गए हो गोगा, जीवित रहना चाहते हो कि नहीं? गोगा ने कहा, कुछ नहीं होगा, तुम चलो, इस समय यहाँ कोई नहीं है, यही बेहतर मौका है। टॉम ने कहा, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं इच्छाधारी पुजारी? गोगा ने कहा, उससे निपट लेंगे। और भीतर घुसते ही दोनों की आंखें चुंधिया गई। टॉम ने कहा, इतनी तीव्र प्रकाश किरणें? फिर जब दोनों कुछ संभले, गोगा ने कहा, यह किरणें नाग देवी की मूर्ति के मस्तक से निकल रही हैं, वह देखो। अचानक पुजारी बाबा चीख पड़ा, तुम दोनों यहाँ कैसे आ गए, चले जाओ मूर्खों, भाग जाओ। वे दोनों सोचने लगे, इच्छाधारी पुजारी? सांप क्रोध से फुंफकारते हुए उनकी तरफ लपके। यह देखते ही टॉम भय से चीख पड़ा, गोगा भागो, सांप हमें मार डालेंगे। गोगा ने कहा, वह मणि? अभी तक देवी के मस्तक से निकल रहे उस तीव्र प्रकाश में खोया गोगा बुरी तरह चौंककर टॉम के साथ मुख्य द्वार की ओर लपका और बोला, भागो टॉम, और तेज। इससे पूर्व कि वे द्वार तक पहुंच पाते कि बुरी तरह क्रोधित सांप दोनों पर टूट पड़े। बुरी तरह चीखते हुए दोनों ने अजगर मुही मंदिर से बाहर छलांग लगा दी। जमीन पर गिरते ही दोनों बेहोश हो गए। यह देखते ही पुजारी चिल्लाया, जल्दी करो, इन्हें वैद्यराज के पास ले चलो। इस घटना के 6 घंटे पश्चात पुजारी ने कहा, इन्हें होश आ रहा है मणिराज। मणिराज बोले, शुक्र है, अब ये खतरे से बाहर हैं। कुछ ही देर में दोनों ने आंखें खोल दी। अपने चारों ओर भीड़ देखते ही दोनों हड़बड़ाकर उठ बैठे। मणिराज ने गंभीर स्वर में कहा, आखिर तुम दोनों ने एक भयानक भूल कर ही दी। मेरे मना करने के बाद भी तुम पवित्र नाग मंदिर में चले गए और परिणाम भी देख लिया। अगर एक पल की भी और देरी तुम्हें द्वैधराज तक पहुंचाने में हो जाती तो तुम दोनों। टॉम ने कहा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई मणिराज, हमें वहां नहीं जाना चाहिए था, हमें क्षमा कर दे मणिराज। मणिराज बोले, यह तुम्हारी प्रथम भूल है, अतः हम माफ़ करते हैं, लेकिन भविष्य में अगर ऐसी भूल हुई तो उसकी सजा मृत्यु ही होगी। 2 माह बाद गोगा ने कहा, टॉम, मैं कुछ सोच रहा हूँ। टॉम बोला, क्या? गोगा ने कहा, नाग देवी के मस्तक पर जड़ी वह मणि अगर हमारे हाथ लग जाए तो। यह सुनते ही टॉम उछल पड़ा और बोला, क्या पागल हो गए हो गोगा, मौत भरी उस रात को भूल गए क्या? गोगा ने कहा, अभी तक नहीं भूला, लेकिन मणि को भी नहीं भूला। उस दिन से नागमणि गोगा की जागती आंखों का स्वप्न बन गई। वह सोचने लगा, निकोदर कबीले से चुराई करोड़ों की वह मूर्ति हमारे हाथों से निकल गई, लेकिन इस मणि को मैं नहीं निकलने दूंगा, लेकिन यह मेरे अकेले के बस का रोग नहीं है, इस बेवकूफ टॉम को राजी करना होगा। इस काम में वह सफल हुआ। गोगा ने कहा, यह जंगल हमारी मंजिल नहीं है टॉम, शहर की रंगीनियां हमारा वहां इंतजार कर रही हैं, वह मणि हमारा सपना है, किसी भी तरह उसे हासिल करना होगा। टॉम ने कहा, लेकिन वह मंदिर बेहद खतरनाक सांपों से भरा पड़ा है, और फिर यहां से भागोगे कैसे, हमारी बोट तो बेकार हो चुकी है। गोगा ने कहा, इसका इंतजाम भी सोचना पड़ेगा। तभी दोनों चौंक पड़े। गोगा बोला, अरे वह नाव। टॉम ने कहा, मछुआरों की जान पड़ती है, मछुआरे नाव से उतर रहे हैं, शायद रास्ता भटककर इधर आ गए हैं। गोगा, वह देखो प्रहरी सांप, यह उन्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। गोगा ने कहा, हम उनकी कोई मदद नहीं कर सकते। सांपों को देखकर मछुआरों में भगदड़ मच गई। वह बोले, भागो सांप। सांपों ने सभी मछुआरों को जान से मार डाला। गोगा और टॉम भागकर नाव के निकट पहुंचे। टॉम ने कहा, बदकिस्मत बेचारे। गोगा बोला, छोड़ो उन्हें, यहाँ आओ, नाव में ढेर सारी मछलियाँ हैं, सोचो जरा ये ढेर सारी विशाल मछलियाँ हमारे किस काम आएंगी। टॉम ने कहा, खाने के। गोगा बोला, बेवकूफ, ये मछुआरे शायद इन मछलियों व नाव की भेंट हमें देने ही यहाँ आए थे। उस घटना के 1 माह पश्चात टॉम ने कहा, आखिर तुम इन मछलियों की खालों का क्या करोगे? गोगा बोला, वक्त आने पर सब बता दूंगा, फिलहाल वही करते रहो जो मैं कहूँ। टॉम ने कहा,
मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। अरे किधर ध्यान है तुम्हारा? वह बाज उस सांप पर आक्रमण कर रहा है, गोगा ने कहा। वही देख रहा हूँ, टॉम बोला। मैं बाज को गोली मारकर, टॉम ने रिवॉल्वर का रुख उधर किया ही था कि गोगा ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, पागल हो गए हो टॉम, गोली नहीं चलानी। गोगा रिवॉल्वर झपटकर नाव की ओर भागा और सोचने लगा, मछुआरों का वह जाल। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।